व्हाट्स द होल मेसअप अराउंड दीज यीजी 350 स्पेस एश स्नीकर्स। चलो इसको डिटेल में समझते हैं आफ्टर दिस क्विक इंट्रो। नाउ लेट्स फर्स्ट अनबॉक्स देम। ओके ऑलराइट, लुक्स कूल पर दिखने से ज्यादा के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है इस वीडियो में। दीज आर एडिडास यीजी 350 V2 स्पेस एश स्नीकर्स एंड दे वर रिलीज्ड, ओप्स सॉरी, नेवर रिलीज्ड ऑफिशियली बट अवेलेबल विद मोस्ट ऑफ द रीसेलर्स अक्रॉस इंडिया। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि दीज आर रीसेलिंग वे अंडर रिटेल। वी विल कम टू द प्राइसिंग पार्ट एट अ लेटर स्टेज इन दिस वीडियो, बट पहले ये समझते हैं कि ये सारा बवाल है क्या। तो देखो यार, दीज स्नीकर्स आर मेड इन इंडिया। कैसे, क्यों, सबका जवाब विद प्रूफ मिलेगा। चेक दिस कंपनी, अपाची फुटवेयर लिमिटेड। दिस इज अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश इन इंडिया। दे हैव देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन वियतनाम एंड चाइना आल्सो। दिस इज एग्जैक्टली द फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस यीजी स्नीकर्स फॉर एडिडास इन इंडिया। अब ये कोई ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं है, दिस इज अ हाईटेक फैक्ट्री दैट रन्स एग्जैक्टली एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडिडास। इनफैक्ट एडिडास हैज बीन प्रोड्यूसिंग यीजी स्नीकर्स इन इंडिया फॉर द लास्ट 2 to 3 years until Adidas and Kanye West owned Yeezy brand had differences and broke ties. इसी दौरान Yeezy 350 Space Ash प्रोड्यूस हो चुके थे बट इनका अप्रूवल रोक दिया गया। अब इसके बाद ये ऑब्वियसली क्लियर था कि या तो ये पेयर्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे और या तो इनकी सेल कैंसिल कर दी जाएगी। पर जिन फैक्ट्री ओनर्स के पास ये पेयर था, उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। सिंस ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैकडोरिंग होने वाली थी सीधा फैक्ट्री में से, इसीलिए जो लोग इसके स्टॉक को होल्ड करके बैठे थे उनको इसकी वैल्यू के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस ग्रुप ने इन पेयर्स को बैकडोर किया और जितना पैसा बन सकता था बना के क्लियर हो गए। इसके बाद पैर मार्केट में आता है और अंडर रिटेल सेल करना शुरू हो जाता है। पैर ऑथेंटिक है बिकॉज ऑब्वियसली इट कम्स विद ऑल द वैलिड रीजंस ऑफ बीइंग एन एडिडास फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड पैर। पर जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन होगी और इसी कंफ्यूजन की वजह से रीसेल मार्केट में इसका प्राइस ड्रॉप हो गया। व्हेन नो वन वाज रेडी टू बाय इट, इट स्टार्टेड सेलिंग वे अंडर रिटेल फॉर समवेयर अराउंड 15,000 rupees। अब इन सारी बातों और कंफ्यूजन के बीच ये पैर धीरे धीरे बिकने लगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा इस पैर का लेन देन सेटल हो जाने के इस पैर का प्राइस ऊपर आने के चांसेस हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि गोट ने इस पैर को रिसेंटली लिस्ट कर दिया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। नाउ व्हाट इज गोट? गोट इज अ यूएस बेस्ड ऑनलाइन स्नीकर रीसेलिंग प्लेटफॉर्म दैट ओनली सेल्स ऑथेंटिक पेयर्स। अब देखो ये सारी बातें एक तरफ, आई एम श्योर आप जानना चाहते हो कि मेरा ओपिनियन इस पैर के बारे में क्या है। टू बी ऑनेस्ट, द प्राइस एट विच दिस इज अवेलेबल, इट्स क्वाइट अ कूल पेयर। काफी न्यूट्रल कलर वे है, ऑन फीट लुक्स वेरी कूल। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से ले रहे हो तो थोड़ा रिस्क हो सकता है बिकॉज यू नेवर नो द प्राइसेस विल गो अप और डाउन, बट अगर पर्सनल यूज के लिए लेने वाले हो तो आई एम श्योर इट्स अ गुड इजी पेयर बिकॉज इट अगेन कम्स विद बूस्ट टेक्नोलॉजी एंड दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल। वैसे आई एम ऑल्सो कीन टू नो योर ओपिनियन। आप बताओ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होने के बाद यू स्टिल थिंक दैट दिस पेयर इज नॉट वर्थ इट और यू थिंक इट्स वर्थ गोइंग फॉर? कॉमेंट करो एंड सपोर्ट योर कॉमेंट विद सम लॉजिकल नोशन। आई प्रॉमिस दैट आई विल पिन सम ऑफ द मोस्ट सेंसिबल कॉमेंट्स। ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू दिस जर्नी। इट्स बीन एक्जैक्टली 3 years सिंस वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड वी आर सून गोइंग टू हिट 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल आई कैन से is a big thank you. Stay connected with me on Instagram too. This is my Instagram ID and if you have not subscribed to the channel, please do that right now because that's how we grow. Till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.